हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल पे द सीक्रेट बिहाइंड साइंस में। दोस्तों, आपको कभी ना कभी मच्छर ने काटा जरूर होगा, इस बात पर आपको गुस्सा भी बहुत आता होगा। लगभग हम रोज़ मच्छरों का शिकार होते हैं, और पर आपने कभी सोचा है मच्छर खून ही की पीते हैं या फिर उनकी इनमें कोई मजबूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खून में वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि मच्छरों के अंडे के लिए एक पोषक का काम करती है। आप जान के चौंक जाओगे कि हमें नर मच्छर नहीं काटते, हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। अपनी प्रजाति की सुरक्षा और बढ़ोतरी की जिम्मेदारी मादा मच्छर की होती है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हमें काटना मच्छरों के जीवन चक्र का जरूरी हिस्सा है। नर मच्छर जब तक जीते हैं अपना गुजारा फूलों के रस से कर सकते हैं, जबकि मादा मच्छरों के साथ ऐसा नहीं है। मादा मच्छर जैसे ही अंडे देने लायक हो जाती है, उनकी पोषण ज़रूरतें बदलने लगती है, तब फूलों का रस उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं रह जाता। मादा मच्छरों को अपने भोजन में थोड़ा वसा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस ज़रूरत को किसी जीव का खून पीकर आसानी से पूरा कर लेती है। मादा मच्छर एक बार में 3 मिलीग्राम तक खून पीती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मच्छरों को काटना एक मजबूरी है ताकि अंडों का सही से विकास हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।